So good morning friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, we are about to start this session. So I will be uploading the PDF in our Telegram group. Okay, so you can download the PDF from there. Aap jaldi se wahan se PDF download kar lijiye and it will be available to you on our Telegram page. So Telegram group ya Telegram channel jo hamara hai, wahan jaake aap jo hai PDF download kar sakte ho. And definitely it will help you a lot, kyunki aapka jo hai task easy ho jata hai usse. रिवीजन आसान हो जाता है, यू कैन डायरेक्टली रीड थिंग्स. ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग अप द सेशन. अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है, सो जस्ट गिव मी वन मिनट. आप मुझे एक मिनट दीजिए एंड वी आर डायरेक्टली मूविंग टू द डिटेल डिस्कशन सेक्शन टुडे. ओके, सो वी वॉन्ट बी गोइंग टू द पेपर, वी विल डायरेक्टली मूव टू द डिटेल डिस्कशन. सो लेट्स सी, हेयर इज योर फर्स्ट न्यूज. इंडिया एट द 42nd रैंक ऑन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन को आपने यूज कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंस के अंदर अगर क्वेश्चन आता है, ओके, मीडिया के ऊपर या मीडियम फ्रीडम के ऊपर, वहां पे आप ये डाटा जो है यूज करेंगे. एसए के अंदर भी आप ये डाटा यूज कर सकते हैं. नाउ आई वुड लाइक टू सी, लाइक आई वुड लाइक टू टेल दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, दिस इज योर प्रीलिम्स 2016 क्वेश्चन. ये 2016 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑफन इन न्यूज इज, क्या है ये डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स? तो ये सवाल उन्होंने पूछा था कि डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स होता क्या है. सो इन द सेम वे, वेन यू टॉक अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ओके, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. ओके, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, अ फ्रेंच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड हैज अगेन रैंक इंडिया एट 142nd आउट ऑफ 180 कंट्रीज. नाउ आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स क्या है. दूसरी चीज, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन रिलीज करता है. नाउ दिस फैक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ओके, दैट विच पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज दिस इंडेक्स, कौन रिलीज करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट फॉर अ ईयर ऑन द डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, एन इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल वर्क टू इम्प्रूव द रैंकिंग, इवन होल्डिंग अ मीटिंग बिटवीन इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस, ओके, RSF officials to lobby for a change in the ranking. अब देखिए, इतना effort मारा है हमने कि हम जो है अपनी ranking improve करें, लेकिन फिर भी Reporters Without Borders ने हमें ranking जो है वो खराब दी है. मतलब there is a fundamental problem in Indian system. कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है इंडिया के अंदर जो हो रही है. So in 2016 if you see, India's rank was 133. तो हमारी सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है. देखिए, 133 रैंक होना आपके यहाँ पे जर्नलिज्म को कितनी फ्रीडम मिलती है, उसकी 133 रैंक होना वो अपने आप में एक खराब है. बट द सिचुएशन इज डिटीरियोरेटिंग, सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है. ऐसा तब हो रहा है जब हमने एक इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है. बकायदा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में एक इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है, जिसके बावजूद ये है, मतलब 2-3 आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर उसके पार्ट होंगे, वो डिस्कस करते होंगे कैसे हमें अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी है, उसके बावजूद ये हालत है हमारी. तो ये आपको चीज समझनी है. नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो द रिपोर्ट सेज इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट. तो हमारे देश की हालत अच्छी नहीं है. सो पुलिस वायलेंस अगेंस्ट रिपोर्टर्स, ये भी रिपोर्ट हुआ है कि पुलिस जो है वो रिपोर्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस कर रही है. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, दे आर ऑल्सो टारगेटिंग द जर्नलिस्ट. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आपके देश के जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, और इस टाइप की सिचुएशन चल रही है. नाउ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वॉज डेलीगेटेड टू लुक एट द फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स. सो द ओपननेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड. अब देखिए, किस बेस पे क्रिटिसाइज किया है. देर आर सम इवेंट्स जिस बेस पे इन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है. सो दीज इवेंट्स आर लाइक रफेल डील. नाउ रफेल डील के ऊपर देर वॉज नो क्लैरिटी, देर वॉज नो, यू कैन से ट्रांसपेरेंसी, कोई ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर नहीं थी. फिर जो रिपोर्टर्स कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम के ऊपर जो है एक क्वेश्चन मार्क है. इंटरनेट बैन आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में लगा, बिकॉज ऑफ दैट प्रेस वॉज नॉट एबल टू वर्क. वहां पे प्रेस काम नहीं कर सकती थी, ये समस्या जो है वहां बनी हुई है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इंडिया शुड बी अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, सेज द यूएस पैनल. अब यहाँ पे सेक्युलरिज्म के ऊपर सवाल उठाए गए हैं कि इंडिया के अंदर सेक्युलर वैल्यूज जो है वो क्वेश्चनेबल है. ओके, देर आर सम इवेंट्स जिसके बेस पे ये किया गया है. सो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ओके,
उन्होंने कुछ चीजें पॉइंट आउट की हैं दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, कि इंडिया जो है पर्टिकुलर कंसर्न का कंट्री है, इंडिया के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए. ओके, सो फर्दर दे हैव रिकमेंडेड समथिंग, कुछ चीजें उन्होंने रिकमेंड की हैं कि इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए. ओके, दे आर सेइंग दैट जो वॉयलेशंस हो रही हैं रिलीजियस फ्रीडम की, उसके अगेंस्ट टारगेट करना चाहिए, उसको जो है एक तरीके से कम करना चाहिए. एंड वो कह रहे हैं कि इंडियन इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, जो लोग सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रिलीजियस लीडर्स या फिर आपके पॉलिटिकल लीडर्स हु आर गिविंग स्टेटमेंट्स, उनके ऊपर सैंक्शन लगाओ. फर्दर दे आर रिकमेंडिंग दैट कि आप जो है इंटरफेथ डायलॉग एनकरेज करो. ओके, और क्वाड जैसे फोरम के अंदर रिलीजियस इश्यूज को उठाओ, सेकुलरिज्म एज अ टॉपिक जो है वो डिस्कस होना चाहिए क्वाड के अंदर. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ये उनका सजेशन है. ओके, सो इट इज मतलब नॉट प्रैक्टिकल कि आप ये सब करोगे, वो लोग कुछ ना कुछ इशू करते रहते हैं. सो रिकमेंडेशंस आर नॉन बाइंडिंग. ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि इनके रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग होते हैं. सो व्हेन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर, दे रिजेक्टेड द रिकमेंडेशन टू डेजिग्नेट इंडिया एज दिस पर्टिकुलर कंट्री. ओके, कौन सा कंट्री? कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न. तो ट्रंप साहब ने तो हमें कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न नहीं बनाया था. प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिएक्ट करता है वो हमें देखना है. सो द रिपोर्ट सेज दैट देर आर इश्यूज लाइक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आफ्टर दैट देर वर रायट्स इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर रायट्स हुए थे. अनदर पॉइंट दे आर पॉइंटिंग इज मॉब जो है वो हिंदू नेशनलिज्म के प्रति सिंपैथेटिक है. ओके, एंड दे आर एक्टिंग, तो मॉब हमारे यहाँ पे मोबोक्रेसी हो रही है. वी आर नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स अ मोबोक्रेसी, ये वो कह रहे हैं. ठीक है ना. फर्दर दे आर सेइंग द इशू इज ऑल्सो रिलेटेड टू द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन. ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम देयर इज अ फियर ऑफ एक्सक्लूजन, कि आप एक पर्टिकुलर पूरी कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर दोगे. दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, फर्दर दे आर पॉइंटिंग आउट इन इंडिया के अंदर जो है आप इंटरफेथ मैरिजेस को एनकरेज नहीं कर रहे हो. यूपी और एमपी जैसी जगहों में यू आर यू नो टारगेटिंग द इंटरफेथ मैरिज, जो लव जिहाद का इन्होंने एक छेड़ा था वो उससे रिलेटेड है. नाउ दिस इज व्हाट दे आर पॉइंटिंग आउट, ये जो है यूएस के ये ऑर्गेनाइजेशन ने पॉइंट आउट किया है. ओके, सो अनदर थिंग दैट दे हैव पॉइंटिंग इज कि आपने तबलीगी जमात को कोरोना के साथ जोड़ दिया. फर्दर दे आर सेइंग दैट इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड द रिलीजियस डाइवर्सिटी इज इंडियाज ब्लेसिंग. ओके, एंड इंडिया शुड प्रिजर्व द सोशल हार्मनी, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इवन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है. ओके, सो मेजॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि माइनॉरिटी के जो है राइट्स वो प्रोटेक्टेड रहें. ठीक है जी, तो अब हम आगे चलते हैं. नाउ दिस आर्टिकल इज अबाउट द मिस रिप्रेजेंटेशन एंड हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स दैट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ एड्स. तो आपके देश में एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है, कि जेंडर स्टीरियोटाइप कैसे बनते हैं. देखिए, अगर डिटर्जेंट की एड होगी तो एक वुमेन है वही सिर्फ डिटर्जेंट खरीदती हुई नजर आएगी. ओके, अगर किसी और चीज की एड है, प्रेशर कुकर की एड है, तो उसके अंदर भी वुमेन नजर आने वाली है. तो दिस इज द प्रॉब्लम, यहां से जो है जेंडर स्टीरियोटाइप हो रहा है इस देश के अंदर. एंड दिस इज व्हाट दे आर पॉइंटिंग आउट, कि कैसे जो है आप एक इंप्रेशन डाल रहे हो सोसाइटी के अंदर. ओके, दैट हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग द वुमेन, सोसाइटी ऑल्सो लर्न्स फ्रॉम द मीडिया, मीडिया से सोसाइटी भी कुछ ना कुछ सीखती है. तो जो वो टीवी में देखते हैं वैसा ही जो है वो आगे जाके बिहेव करते हैं. एंड दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, ये मेजर प्रॉब्लम है. एंड इट इज ऑल्सो स्प्रेडिंग इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, स्पेशली दिस इनइक्वालिटी इज रिलेटेड टू द करियर. ओके, अब करियर के साथ कैसे रिलेटेड है, देखिए आपको वुमेन जो है वो सिर्फ हाउस मेकर नजर आएगी. तो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे अगर आप, तो वहां पे वुमेन आपको हाउस मेकर नजर आएगी. एंड इट इज लीडिंग टू द हाइपर सेक्सुअलाइजेशन ऑफ जॉब्स. ओके, ये यहां पे हो रहा है एंड वी हैव टू फाइट विद दिस. और इसके अंदर जो है इन एड्स को रेगुलेट करना वो इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, नाउ एक्सपोर्टर्स फ्रेट ओवर डिले इन रिबेट रेट. नाउ दिस इज द मेजर प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग. सो एक
प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, एक स्कीम यहाँ पे चलाई गई थी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, कि जो आप ड्यूटीज भरते हो, टैक्सेस भरते हो एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसका कुछ अमाउंट जो है वो आपको वापस दे दिया जाएगा। ओके, ये स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई थी टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए। सो दिस स्कीम विल केम इन टू इफेक्ट ऑन जनवरी 1। ओके, उस टाइम पे ये आ गई थी, लेकिन अभी नोटिफाई नहीं हुई है। एंड इंडिया के अंदर क्या होता है, व्हेन यू आर मेकिंग अ स्कीम एंड इफ यू आर नॉट नोटिफाइंग इट, देन इट्स अ रियली प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो चीज लागू तो होगी नहीं जब तक आप उसे नोटिफाई नहीं करोगे। सो दैट्स व्हाई एक्सपोर्टर्स आर सेइंग दैट यू हैव टू लिफ्ट द अनसर्टेनिटी। जो भी अनसर्टेनिटी जो है इसके अंदर चल रही है, गवर्नमेंट को उसे लिफ्ट करना पड़ेगा। ये चीज एक्सपोर्टर्स बोल रहे हैं, इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट कि हमें जो है इस चीज को जल्दी से जल्दी करना है। यू नीड टू understand one thing, when we talk about ease of doing business, जब हम ease of doing business की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो bureaucratic hurdles हैं, उनको remove करना भी हमारी responsibility है। This is one of the bureaucratic hurdle that there is no clarity कि scheme कैसे लागू होगी, तो ease of doing business नहीं हो पाएगा और आपके exporters जो हैं, वो इसका benefit नहीं उठा पाएंगे। So timing बहुत important होती है business को promote करने के लिए। How quick you are in providing clearances, वो सारी चीजें important होती हैं। तो ये चीज हमें देखनी है कि जल्दी से जल्दी इसे ऑपरेशनलाइज करें। ओके, वी हैव टू ऑपरेशनलाइज इट। सो ये चीज आगे चल रही है। नाउ देर आर सम ग्री एरियाज जिनको एड्रेस करना जरूरी है। सो कंसल्टेंसी फ्लैग द पावर गिवन टू कस्टम्स ऑफिसर टू सस्पेंड द स्क्रिप्ट और रिफंड द क्रेडिट। अब कस्टम ऑफिसर के पास मेजर पावर रहेगी यहां पे, एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, दिस कैन बी अ डिस्क्रिशनरी पावर। ये डिस्क्रिशनरी पावर हो जाएगी और इसका मिसयूज होगा, और यहां पे डिस्क्रिशन विदाउट अकाउंटेबिलिटी से क्या होता है, करप्शन होता है। ओके, सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो ये आप इक्वेशन एक देख लो, जहां पे डिस्क्रिशन हो, डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी, इफ दिस इज द सिचुएशन कि आप अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं कर रहे हो, इट विल लेड टू करप्शन। उससे करप्शन ही होगा, वो मनमानी करेगा अपनी, कस्टम ऑफिसर जो होगा। सो एज पर द गवर्नमेंट स्टेटमेंट, द रिफंड ऑफ टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स वुड बी क्रेडिटेड टू एक्सपोर्टर्स, उनके अकाउंट में आएगा, विच कुड बी यूटिलाइज टू पे द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। क्लैरिटी वुड बी रिक्वायर्ड वेदर द रिफंड कुड बी यूटिलाइज टू पे अदर टैक्सेस। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या जो रिफंड आएगा, क्या उससे हम बाकी टैक्सेस पे कर पाएंगे आपके एक्सपोर्टर्स, ये चीज जो है उसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, सो वी हैव टू लुक इनटू दिस कि ये इसके आगे क्या कहानी होगी। सो देखते हैं अभी क्या आगे कहानी बनती है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आएगा। नाउ वील मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन, एंड टूडेज एडिटोरियल्स वी आर गोइंग टू कवर दिस थिंग, पुलिस रिफॉर्म। तो ये आपके पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। सो इफ यू सी इन पास्ट, देर वॉज अ मेजर प्रॉब्लम विद पुलिस, क्योंकि बहुत सारे चीजें हुई थी, एंड पुलिस रिफॉर्म इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, द पर्सन, द पीपल, द एस्पिरेंट्स हु हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज देयर एज ऑप्शनल, फॉर देम इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए पुलिस रिफॉर्म के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो उसके अंदर फर्स्ट आई एम हाईलाइटिंग थिंग्स लाइक प्रकाश सिंह जजमेंट। ओके, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस। सो प्रकाश सिंह जजमेंट है पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है जी, उसका जिक्र इस एडिटोरियल में भी होगा, दिस एडिटोरियल ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट, सो वी विल बी कवरिंग अप दैट। सो प्रकाश सिंह जजमेंट इन दिस सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन फ्यू रिफॉर्म्स कि पुलिस को कैसे रिफॉर्म करना है, एंड वन ऑफ द रिफॉर्म वॉज रिलेटेड टू चूजिंग द पुलिस चीफ, कि जो है आपके डीजीपी को कैसे आप चूज करोगे। तो उसके लिए उन्होंने सजेशन दिया था एनपैनलमेंट ऑफ डीजीपी। ओके, एनपैनलमेंट ऑफ डीजीपी का क्या मीनिंग होता है, दैट यू विल ओके फॉर्म अ पैनल, एंड दैट पैनल विल सिलेक्ट कि डीजीपी कौन होंगे, मतलब 5-6 नाम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को सजेस्ट कर देंगे कि आप इनमें से सिलेक्ट कर लो, ये 5 नाम हमने दिए हैं। अब ये काम प्रेजेंटली यूपीएससी को दिया गया है, यूपीएससी इज कैरिंग आउट दिस थिंग, डीजीपी वगैरह सिलेक्ट करने। ओके, बट स्टेट्स आर रिलक्टेंट, स्टेट्स अभी भी मानते नहीं है, वो अपने मन की करना चाहते हैं, एंड कंट्रोलिंग अ पुलिस चीफ
इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस, कि पॉलिटिशियंस इस वेपन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और पुलिस चीफ को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, बिकॉज बाय कंट्रोलिंग द पुलिस चीफ यू विल बी एबल टू कंट्रोल द पुलिस ऑफ द स्टेट, ये वो करना चाहते हैं. सो डेफिनेटली द एडिटोरियल टॉक्स अबाउट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स लेजिटिमेट रोल एंड द पुलिस चीफ्स ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, कि पुलिस चीफ जो है उनकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को मेंटेन करना भी जरूरी है. दूसरी चीज, यू कैन नॉट अंडरमाइन द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो देर आर रीसेंट डेवलपमेंट्स. सो मुंबई पुलिस के अंदर हमें पता लगा कि कैसे मुंबई पुलिस कमिश्नर वॉज रिमूव्ड, एकदम से उनको हटा दिया गया. ओके, सो दैट्स वाई वी नीड द रिफॉर्म स्पेशली इन अपॉइंटमेंट. आपके देश के अंदर अपॉइंटमेंट और रिमूवल के अंदर डेफिनेटली जो है आपको काम करने की जरूरत है. टिल द टाइम यू डोंट सिक्योर द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द कंप्लीट ऑटोनॉमी बाय योर पुलिस. और पुलिस रिफॉर्म के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सो दिस इज अ क्रूशियल वे बाय विच द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द स्टेट पुलिस, कि कैसे जो है आप चीफ सिलेक्ट कर लो अपना. एंड दिस वे देर इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की है पूरी, चीफ आपका तो पुलिस भी आपकी. ओके, देर इज नो इंडिपेंडेंट वेटिंग प्रोसेस टू असेस द सूटेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स. अब चीजें क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता कि सूटेबल कैंडिडेट कौन है, उसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है. कंप्लीटली पॉलिटिकल डिसीजन होता है, पॉलिटिशियंस अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इसे बनाते हैं. ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी नेसेसिटेट द पुलिस चीफ टू रिमेन आंसरेबल टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट. ये डेफिनेटली इज द राइट पॉइंट दैट योर एग्जीक्यूटिव शुड बी आंसरेबल टू द गवर्नमेंट, एंड पुलिस चीफ इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव, वो भी एग्जीक्यूटिव है और सरकार को जो है डेफिनेटली उनको आंसरेबल होना पड़ेगा. बट दिस आंसरेबिलिटी, दिस अकाउंटेबिलिटी, आपको इस चीज को बैलेंस आउट करना है कि ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी हो और साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी हो. ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो ये चीज भी हमें देखनी है. डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड. Have an oversight panel. Now, the first is the need to shift the responsibility of appointment and removal from government alone to a bipartisan independent oversight body. ये एक suggestion है कि आप जो है government के हाथ से ये control लेके किसी independent body को दे दो, जिसके अंदर experts होंगे, जिसके अंदर retired police officers हो सकते हैं आपके state के. Okay? So this state level oversight body with a specified role in the appointment and removal of police chief, it was first suggested by National Police Commission. 1979 में ये suggestion लिया था, हमने वो रिफॉर्म नहीं किया है. ओके, उसके बाद प्रकाश सिंह जजमेंट के अंदर दोबारा ये आती है बात कि कैसे आप एक ओवरसाइट बॉडी बनाओ जो अपॉइंटमेंट और रिमूवल को देखे. फिर भी अभी तक ये लागू नहीं की गई है. वाइल टॉप कोर्ट एंट्रस्टेड द यूपीएससी विद द रोल इन शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम विच द स्टेट गवर्नमेंट इज टू अपॉइंट पुलिस चीफ, द मॉडल पुलिस बिल 2015 प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ मल्टी पार्टी स्टेट पुलिस बोर्ड. अभी एक मॉडल पुलिस बिल है 2015 का. ओके, इसके अंदर यह बात की गई है कि एक जो है मल्टी पार्टी स्टेट पुलिस बोर्ड बनाया जाए. अब यहां पे कहानी क्या है, सबसे ज्यादा आपको यह समझना है, पुलिस इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट. पुलिस आपका जो है ना वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है. ओके, मींस स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं को डिसीजन लेना है यहां पर. तो ये जो मॉडल बिल बनते हैं, स्टिल फाइनल डिसीजन लाइज विद द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर जो सोचेगा वही हो पाएगा. ओके, ये आपको एडिशनल चीज समझनी है. तो ये स्टेट पुलिस बोर्ड कैसे होंगे इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है. एंड इट इज ऑल्सो रेफर टू एज स्टेट सिक्योरिटी कमीशन. नाउ इट विल बी मेड अप ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसके अंदर होंगे, सिविल सोसाइटी के इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे. ओके, बट माई क्वेश्चन टू यू इज दिस, डू यू सीरियसली थिंक आर पॉलिटिशियंस दे विल बी रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीजन, कि वो इस टाइप की कोई चीज बना दे जिसके अंदर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हों? क्या हमारे पॉलिटिशियंस मानेंगे? विल दे बी रेडी टू गिव अप देयर पावर? विल दे बी रेडी टू शेयर देयर पावर? सर्टेनली नॉट. उनको मजा आता है चीजों को कंट्रोल करने में. ओके, सो आइडिया तो बहुत अच्छा है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनेगा जिसके अंदर सिविल सोसाइटी के मेंबर होंगे, वो अपॉइंटमेंट और रिमूवल को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, ये आइडियाज बहुत अच्छे हैं बट इंप्लीमेंट नहीं होते क्योंकि पॉलिटिशियंस के हाथ में पावर है. ओके, सो गैप्स इन एसएससीज नाउ हाउएवर हैज मेड लिटिल प्रोग्रेस इन कॉन्स्टिट्यूटिंग
these bodies, while 26 states and UT have established the SSCs either through new police act or amendment or through executive orders. Not a single one adheres to the balanced composition suggested by the top court. कोई balanced composition इन्होंने नहीं बनाई है. Leader of opposition को जगह नहीं दी है. Few of the states have not included the leader of opposition. Okay, ये reality है. This is the reality. The commissions remained dominated by political executive. Still, उसके अंदर तो बात की गई थी कि experts लेके आओगे, civil society लेके आओगे. But here political executive वही जो है उसके अंदर ज़्यादातर dominate कर रहे हैं. This is the problem here. ये problem बन रही है यहाँ पे. Okay. So as of 2019, information secured to RTI indicates that only 4 SSCs have held meetings since 2014. स्टेट्स के जो ये जो बने हैं स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, उनकी मीटिंग नहीं हो रही है. तो किस काम के वो? सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, लोग तनख्वाहें लेके जाएंगे और मीटिंग नहीं होगी. एज मैनी एज 23 स्टेट्स गवर्नमेंट्स रिमेन द सोल डिस्क्रिशन ऑफ अपॉइंटिंग द पुलिस चीफ. अभी भी सरकार अपने ऊपर सारा डिसीजन ले रही है, गवर्नमेंट खुद डिसीजन ले रही है. ओके, सो असम, झारखंड, कर्नाटका, मेघालय, मिजोरम, इन दीज स्टेट्स शॉर्टलिस्टिंग इज बींग कैरिड आउट बाई SSC. शॉर्टलिस्टिंग तो है, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन कर रहा है. फाइनल डिसीजन स्टिल लाइज विद द गवर्नमेंट, ये हमें पता है. देर इज अ नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी. नाउ सेकेंड एलिमेंट क्रिटिकल टू पुलिस रिफॉर्म इज इंस्टीट्यूटिंग एन इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. किस बेस पे आप सिलेक्ट कर रहे हो? यू हैव टू हैव अ प्रॉपर क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आपको बनाना है. नॉर्म्स शुड बी लेट डाउन, क्वालिफिकेशन शुड बी लेट डाउन. सो मच स्टैंडर्ड सेटिंग वर्क इज नीडेड ऑन दिस एज ओनली बेसिक सेफ गार्ड्स हैव बीन डिफाइंड इन रिफॉर्म्स. बहुत कुछ करने की जरूरत है. ऑन अपॉइंटमेंट्स द कोर्ट एंड द मॉडल पुलिस एक्ट रिक्वायर UPSC टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट और SSC टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द सर्विस, सर्विस रिकॉर्ड, रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल. ये सब जो है क्राइटेरिया डाले हैं. बट माय क्वेश्चन टू यू इज दिस एडिक्वेट? क्या ये एडिक्वेट है कि आप लेंथ ऑफ द सर्विस, सर्विस रिकॉर्ड, रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसके बेस पे कैंडिडेट सिलेक्ट करोगे? विल इट बी ट्रांसपेरेंट? क्या ये ट्रांसपेरेंसी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी प्रोवाइड कर रहा है? नो फर्दर गाइडेंस हैज बीन डेवलप्ड ऑन एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स. ओके, के टर्म्स को कैसे आप लिखोगे, कैसे आप इनको यूज करोगे, उस चीज को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है. व्हाट क्वालिफाइज एज अ गुड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस? ये गुड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, कैसे आप डालोगे? इंटीग्रिटी, कैसे आप उसको यूज करोगे? इंटीग्रिटी ऑफ अ पर्सन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. DGP के अंदर अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी तो कैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट से इंटीग्रिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो? सो ये भी एक प्रॉब्लम है. नाउ फिर आपको देखना है कि शुड नॉट इंटरव्यू विद द कैंडिडेट्स बी कंसीडर्ड एज रिक्वायरमेंट? क्या इंटरव्यू वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है? सिमिलरली नो स्क्रूटनी प्रोसेस हैज बीन प्रिस्क्राइब टू जस्टिफाई द रिमूवल. कि टेन्योर पूरा होने से पहले इफ सम ऑफिसर इज रिमूव्ड, उसको लेके कैसे कोई स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए? क्या रैंडम रिमूवल अलाउ करते रहे हम लोग? ये सारी चीजें जो है अभी तक बनी हुई है. सो इंपॉर्टेंट चेक वॉज डिल्यूटेड अंडर द प्रकाश सिंह जजमेंट दैट ओनली रिक्वायर्स गवर्नमेंट्स टू कंसल्ट SSC. अब यहां पे देखो कितना इंपॉर्टेंट ये टर्म है कि दे आर रिक्वायर्ड ओनली टू कंसल्ट. अब कंसल्ट के अंदर क्या होता है कि डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा. तो ये स्टेट सिक्योरिटी कमीशन विल प्रोवाइड द इनपुट, लेकिन वो डिसीजन अभी भी बाउंडिंग नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगा. ओके, ये सब. Another important thing is that there are broad terms such as on administrative ground, in public interest. अब ये बोलते हैं कि in public interest still control lies with the government. Power अभी भी government के हाथ में रहेगी. Administrative ground में power अभी भी government के हाथ में रहेगी. लेकिन ये कहीं पे define ही नहीं किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड क्या चीज है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या चीज है. वेग सी डेफिनेशन होती है, उसके बाद जरूरत पड़ने पर अपने आप उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. सो इस चीज से मिसयूज हो जाएगा. ओके, देयर विल बी मिसयूज. सो दिस इज द प्रॉब्लम. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी तक चल रही है. ओके, नाउ क्लियर एंड स्पेसिफिक बेंचमार्क्स नीड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू डिसीजन मेकिंग. जो बेंचमार्क होंगे बेसिस पे, जिस बेसिस पे आप ऑफिसर को सिलेक्ट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, उसके लिए प्रॉपर बेंचमार्क होने चाहिए. एंड यू नीड टू हैव अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी.
इस पूरे प्रोसेस के अंदर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए। तो यू हैव एन एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके का आप एग्जांपल लिख सकते हो। यू कैन डायरेक्टली मेंशन दिस थिंग इन योर आंसर, इस चीज को अपने आंसर में लिखें। ओके, सो दे हैव पुलिस रिफॉर्म एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2011 विच इंट्रोड्यूस्ड पब्लिक कंफर्मेशन हियरिंग एज एन एडिशनल लेयर ऑफ चेक ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ हेड ऑफ द पुलिस, कि जनता से पूछा जाएगा कि ये आपका पुलिस कमिश्नर होना चाहिए, आपको ये आदमी मंजूर है, ये आपका डीजीपी होना चाहिए, आपको ये आदमी मंजूर है। देखो यूके के अंदर पता नहीं वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन इट विल बी अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज इन इंडिया, हमारे देश में तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है कि कैसे अब मतलब इलेक्शन करवा रहे हो पुलिस कमिश्नर के लिए। तो ये आइडिया हम सिर्फ आंसर में लिखने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा मुझे पर्सनली डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, कि आप खुद ब खुद बोलिए कि कैसे जो है क्या आप इलेक्शन कराओगे पुलिस कमिश्नर के लिए, अब ये बात इन्हें समझनी है, ठीक है ना। तो इंडिया की सोसाइटी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके हम लागू कर सकते हैं। ओके, एनेबलिंग फेयरनेस, द प्रपोज्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन अ हियरिंग ऑर्गेनाइज बाय पुलिस एंड क्राइम पैनल इन ईच एरिया। ओके, ये चीज रिक्वायर्ड है कि कैंडिडेट जो है उनको भी पार्टिसिपेट कराओ, ठीक है जी, उनको भी पार्टिसिपेट कराओ, एक क्राइम पैनल बनाओ। अब ये क्राइम पैनल क्या होगा, उसके अंदर जो है लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, पुलिस के भी लोग होंगे। ओके, दे विल क्वेश्चन द कैंडिडेट, दे विल क्वेश्चन द कैंडिडेट कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन तो नहीं है, कोई पास्ट में कोई क्रिमिनल केस, कोई करप्शन केस तो नहीं है। ऑल दोज थिंग्स विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड दीज पैनल्स दे विल हैव अ पावर टू वीटो द सिलेक्शन, जो अपॉइंटमेंट है उसको रोकने का भी पावर इनके हाथ में होगी। लेकिन आई एम आस्किंग दिस फंडामेंटल क्वेश्चन टू यू, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, डोंट यू थिंक दिस विल डिले द अपॉइंटमेंट। ओके, तो हम सिर्फ चीजों को लिख रहे हैं, इन्होंने तो एडिटोरियल लिख लिया, तो मेरा आपसे सवाल है, जरा खुद ब खुद सोचिए, अगर हम पुलिस कमिश्नर के को अपॉइंट करने के लिए इतना सब कुछ करेंगे, तो मेरा सवाल यह है कि डोंट यू थिंक इट विल डिले द अपॉइंटमेंट, क्या अपॉइंटमेंट डिले नहीं होगा, क्या आप एक पैनल दूसरा पैनल तीसरा पैनल बनाओगे। ओके, पहले यूपीएससी नाम सिलेक्ट कर रहा है, उसके बाद एक क्राइम पैनल बना हो गया, वो डिस्कस कर रहा है चीजों को, डोंट यू थिंक इट विल डिले द अपॉइंटमेंट। तो गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल रहने में भी कुछ पॉइंट है। सी व्हेन यू राइट द क्रिटिकल एनालिसिस, आपको क्रिटिकल एनालिसिस जब करना होता है आंसर के अंदर, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देने होते हैं, तो ये प्रॉब्लम है यहां पे, इट माइट डिले द यू नो अपॉइंटमेंट, ये हो सकता है। ओके, फर्दर एनी फर्दर डिले इन इंप्लीमेंटिंग रिफॉर्म इन दिस एरिया विल कंटिन्यू टू डीमोरलाइज द पुलिस, ऐसा ये बोल रहे हैं। देखो रिफॉर्म भी करना है, लेकिन प्रैक्टिकल रिफॉर्म करना है जो लागू किए जा सके। ओके, another thing that we are going to cover here is last word on the state and the temples. तो यहां पे बात हो रही है कि should, okay, should state control the temples? क्या जो है state को temple control करने चाहिए, ये एक सवाल है जिसको यहां पे discuss किया गया है। Can we allow the government to control the temples? Now you need to understand, इस देश के अंदर जो गवर्नेंस है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, सो रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स आर समहाउ इंटरलिंक्ड। अगर हम रिलीजन और सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो दे आर समहाउ इंटरलिंक्ड, वो कुछ ना कुछ उनके अंदर इंटरलिंकिंग हमें नजर आती है। क्यों नजर आती है, क्योंकि रिलीजन जो है वो काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, जैसे कास्ट सिस्टम। ओके, सो समटाइम्स कास्ट सिस्टम डू गेट सैंक्शन, या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सैंक्शन मिल रहा है रिलीजियस टैक्स से, रिलीजियस सिस्टम से जो हमारे यहां चल रहे हैं। दीज आर द इविल्स विच आर प्रिवेलिंग। ओके, तो डेफिनेटली स्टेट हैज सम रोल, वहां पे स्टेट इंटरवेंशन इज जस्टिफाइड। ओके, इज जस्टिफाइड, वहां पे तो जस्टिफाइड है, बट नॉट एवरीवेयर, हर जगह नहीं होना चाहिए। तो ये डिबेट चल रही है कि कितना जो है स्टेट इंटरवेंशन हम अलाउ करें और कितना जो है उसे रोकें। नाउ वी लुक इन टू दिस। ओके, इफ यू सी द हिस्ट्री एंड द फेथ एट एन इंट्यूटिव लेवल, द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट ओवरसीइंग द मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस स्ट्राइक एन एनेथमा ऑन द सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्या होता है सेक्युलर, जब हम सेक्युलर की बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट सेपरेशन, ओके, ऑफ रिलीजन एंड स्टेट।
कि आपकी सरकार और रिलीजन का कोई भी लेना देना नहीं होता, ये सेकुलर का मीनिंग होता है। बट इंडिया का जो सेकुलरिज्म है इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सिस्टम। इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट, हमारा सेकुलरिज्म जो है, इंडियन सेकुलरिज्म इज सेड टू बी पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव इन द सेंस वी कैन नॉट, वी डोंट टॉक अबाउट कंप्लीट सेपरेशन। हम कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं करते हैं। ओके, हम इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इंडिया के सेकुलरिज्म में क्या खासियत है, हम कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं करते कि कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट, कि आप हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिखिज्म, सबको, क्रिश्चियनिटी, सबको इक्वली ट्रीट करो, ये हम कहते हैं। दूसरी चीज, फॉर पब्लिक मोरालिटी, ओके, स्टेट इंटरवेंशन अलाउड है इंडिया के अंदर फॉर पब्लिक मोरालिटी। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहते हैं, उसके लिए स्टेट इंटरवेंशन अलाउड है। देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इट। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो मिले हुए हैं हमें। सो वी विल लर्न अबाउट दैट। ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे नो दिस थिंग, कि अगर हम स्टेट को और रिलीजन को कंप्लीटली सेपरेट कर देंगे, फिर क्या होगा, जगर अगर हमें इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होगी तो वो नहीं हो पाएगी। ओके, नाउ देयर वाज अ लिटिल डाउट दैट ऑल पर्सन मस्ट बी एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, बट दैट फ्रीडम दे बिलीव्ड ऑट नॉट टू बी सर्कमस्क्राइब्ड बाय एक्सटेंडिंग टू एक्सट्रीम लिमिट्स। मतलब हमारे यहाँ पे लिमिट्स जो हैं वो दिल लगा रखी हैं। ये लिमिट्स क्या हैं आपको समझनी पड़ेंगी, वी विल कवर दैट। ओके, सो इट अंडरस्टूड दैट लेफ्ट अनअटेंडेड रिलीजन कुड लीड टू परपेचुएशन ऑफ हिस्टोरिकल इविल्स। अब ये हिस्टोरिकल इविल्स क्या थे, कास्ट सिस्टम। ओके, कास्ट सिस्टम, वुमेन के अगेंस्ट, वुमेन के राइट्स। प्रेजेंटली ऑल्सो वुमेन जो है वो इक्वल राइट्स नहीं है उनको कई जगहों पे टेम्पल के अंदर एंट्री करने के। सो ये हिस्टोरिकल इविल्स जो है, इट विल कंटिन्यू इफ वी आर नॉट अटेंडिंग द रिलीजन, और सरकार अगर रिलीजन, रिलीजियस इश्यूज को डील नहीं करती है तो। सो टू ट्रीट रिलीजन एज अ सब्जेक्ट बियॉन्ड स्टेट्स सॉवरन रीच वॉज अ थ्वॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशंस एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ फ्री एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी एट इट्स वेरी फाउंडिंग। ओके, द फ्रेमर्स were also conscious that achieving these goals meant that government had to ensure that resources vital to commonweal were properly managed. अब ये बात है, देखिए, अगर temple सबके लिए नहीं खुले होंगे तो कैसे जो है आप जो है अपने देश में egalitarian society बनाओगे, कैसे जो है आप democratic society बनाओगे। If all the sections of the society of a particular religion, if they don't have the access to temple, so इसलिए जरूरी था कि स्टेट इंटरवीन करे। ओके, सो इट वॉज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गारंटी फॉर इंस्टांस दैट अ टेम्पल डेडिकेटेड फॉर पब्लिक यूज वॉज इन फैक्ट पुट टू सच यूज, कि वो जनता के लिए होना चाहिए, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज होता क्या, जो डोमिनेंट कास्ट हैं, ओके, डोमिनेंट कास्ट या डोमिनेंट ग्रुप्स, दे विल डोमिनेट, वो डोमिनेट करते रहेंगे, वो कंट्रोल करते रहेंगे इन टेम्पल्स को, और जो वल्नरेबल है, जो डाउनट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो अपने राइट्स को कभी एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टेट इंटरवेंशन जरूरी था। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द अरेंजमेंट, सो द फॉर्मर मेक्स द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब ये आ गई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ओके, अगर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और सोसाइटी के जो सोशल फैब्रिक है उसके हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, इन दैट सिचुएशन स्टेट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। अब जरा एक बात सोचो, अगर मंदिरों के अंदर ये इंस्ट्रक्शन दी जाए, कोई ग्रुप जो है राइट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है ना, माइनॉरिटी के अगेंस्ट कुछ प्लानिंग चल रही है, डोंट यू थिंक इट इज रिक्वायर्ड कि स्टेट वहां पे इंटरवीन करे। सो ये कुछ एंगल हैं जो हमें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। नाउ व्हाट इज मोर, दिस राइट द प्रोविजन क्लैरिफाइज विल नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द स्टेट मेकिंग लॉज रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड अदर सेकुलर एक्टिविटीज।
अब रिलीजन की बहुत सी एक्टिविटीज है वहां पे, फाइनेंसिस को मैनेज करना, इकोनॉमिक्स को मैनेज करना, बहुत सारा चढ़ावा चढ़ता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मनी फ्लो होता है उसके अंदर। तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरीके से कि वो इनके ऊपर रेगुलेशन लगाए। नाउ आर्टिकल 26 ऑन द अदर हैंड प्रोटेक्ट द ग्रुप राइट्स। देखिए हमारे यहाँ पे जो सेकुलरिज्म के राइट्स हैं, आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल के राइट है, ओके वो इंडिविजुअल के राइट है। आर्टिकल 26 एज अ ग्रुप राइट है कि रिलीजन एज अ ग्रुप दे हैव सम राइट्स, दे हैव द राइट टू मैनेज देयर इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना एंड टू मैनेज इट्स ऑपरेशंस, वो रिलीजन खुद ब खुद कर सकता है, ओके तो वो राइट्स जो है डेफिनेटली हमने दिए हैं। बट दिस राइट टू इज बाउंड बाय द कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ये राइट भी जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड बाय दीज पर्टिकुलर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जिनको बोलते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। देखिए एब्सोल्यूट अगर कुछ भी हो जाए वो प्रॉब्लमेटिक ही होता है, तो कुछ ना कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस तो मेंटेन रखने ही पड़ते हैं। सो अ प्लेन रीडिंग ऑफ दीज प्रोविजन शोज अस दैट अ रिलीजियस डोमिनेशन हैज सब्सटेंशियल फ्रीडम ओवर द मैटर्स कंसर्निंग इट्स फेथ। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अपनी चीजें खुद ब खुद मैनेज कर सकते हैं, उनके पास ये फ्रीडम है। बट दिस राइट डज नॉट ओवरराइड द स्टेट्स पावर टू मेक लॉज। स्टेट तो अभी भी कानून बना सकता है उनको मैनेज करने के लिए। स्टेट अथॉरिटी इज वाइडर स्टिल इन अटेंडिंग टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। स्टेट अथॉरिटी वाइडर है भाई, स्टेट से बड़ा कुछ नहीं होता। द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 25 आर एक्सप्रेसली रिस्ट्रिक्टेड टू मैटर्स विद इन द डोमेन ऑफ रिलीजन। रिलीजन के अंदर के जो मैटर्स हैं, जिसको हम कोर ऑफ रिलीजन बोलते हैं, ओके उसके मैटर्स तक आर्टिकल 25 रहेगा, लेकिन बाहर के जो मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं वहां पे स्टेट जो है इंटरवीन कर सकता है, वो रेगुलेट कर सकता है और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। ये जो है बात हमने डाली है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट महाराष्ट्र के अंदर या फिर तमिलनाडु के अंदर देर आर लॉज। हर स्टेट के अंदर अपने अपने कुछ ना कुछ कानून है। यहां पे तमिलनाडु के कानूनों की बात हो रही है, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट। They have a proper law to manage these institutions. अब इन्हीं जो है legal provision से free करने की बात जो है ये movement चला रही है। But can we undermine the importance of the law? क्या हम इस law को undermine कर सकते हैं? I have given multiple reasons कि कैसे state intervention जो है वो कुछ ना कुछ हद तक required है। So this is not just after independence चीजें ऐसे हुई हैं। Before independence also टेम्पल मैनेजमेंट जो है उसके अंदर स्टेट का रोल होता था, राजा जो है उसको मैनेज करता था। इवन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं, दे आर ऑल्सो पॉइंटिंग आउट दीज थिंग्स दैट इट वॉज देयर ड्यूटी टू गारंटी दैट ऑल रिलीजियस एंडाउमेंट्स वर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द रियल इंटेंट एंड विल ऑफ द ग्रांटर। तो उसी लिए मुतवलिस को वक्फ प्रॉपर्टी में लगाया जाता था, उनको अपॉइंट किया जाता था। अब ये मुतवलिस कौन होते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है? वक्फ प्रॉपर्टी होती है खुदा की प्रॉपर्टी, भगवान की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द गॉड। उसको मैनेज करने के लिए आप मुतवलिस लगाते हो। मुतवलिस जो है ये आपकी एक पोस्ट हो गई, एक पोजिशन हो गई, इनको अपॉइंट किया जाता है। नाउ प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट जो है आप लिख लेंगे, ओके अलग से लिख लेना कि मुतवलिस क्या करते हैं और किस चीज को मैनेज करते हैं। तो ये आपको पता लग गया, ठीक है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मुतवलिस जो है उनको अपॉइंट करते थे। फिर आप आगे देखिए, स्टेट कंट्रोल ओवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मस्ट कंटिन्यू। व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास इनेक्टेड इट्स फर्स्ट एंडोमेंट लॉ, थिंग्स हैव सब्सटेंशली चेंज। चीजें बहुत बदल गई हैं, ओके सो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाइम इंट्रोड्यूस द लॉ बिकॉज इट फाउंड दैट कॉलोनियल रिजीम इज सीडिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी ओवर द टेम्पल्स। तो उन्होंने कानून इसीलिए बनाया था क्योंकि उनको लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको नहीं पता कि ये कैसे मैनेज होते हैं जो टेम्पल्स वगैरह हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने ये कानून बनाया था। एंड डेफिनेटली स्टेट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि पावरफुल कास्ट और कम्युनिटी जो है वो एक तरीके से इन इंस्टीट्यूशंस को डोमिनेट करने लग जाएगी। दे विल कंटिन्यू टू कंट्रोल दीज इंस्टीट्यूशंस। और आपको इन इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूसिव बनाना है, इगैलिटेरियन बनाना है। सो दिस इज हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस आर रिलेटेड टू द सोशल रिफॉर्म्स इन योर कंट्री। आपके देश में जो सोशल रिफॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं इनके साथ लिंक्ड हैं। अगर यही इंस्टीट्यूशंस ही इगैलिटेरियन नहीं होंगे, डू यू सीरियसली थिंक हम सोसाइटी को जो है एक तरीके से इगैलिटेरियन सोसाइटी बना सकते हैं? नाउ
द लॉ अकॉर्ड्स टू अ स्टेट अपॉइंटेड कमिश्नर, एक स्टेट अपॉइंटेड कमिश्नर होगा जो इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को देखेगा, मैनेज करेगा कि किस हिसाब से यहां पे कंडक्ट हो रहा है. सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेस्टेड द रैशनले फॉर दिस ओवरसाइट. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये करना बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इसे जस्टिफाई किया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है. तो ये भी आप लिख देना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है शिरूर मठ केस के केस में. ओके, नाउ कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ वॉज इन परफेक्ट कोसोनेंस विद द अथॉरिटी वेस्टेड इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 25 एंड 26. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसके अंदर कोई प्रोविजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टूडे विद नो ऑब्वियस सक्सेसर अवेलेबल शुड द स्टेट सरेंडर इट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी. क्या आज की डेट में आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ना हो तो क्या स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी चाहिए, ये अब सवाल बनता है. देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे सही ठहराया है. ओके, तो ये एक सवाल है. अगर स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा, अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेज को हम नहीं समझेंगे कि सोशल पावर ऑफ डोमिनेंट ग्रुप और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये अभी रोकना है हमें. सोसाइटी हमारी अभी इतनी इगैलिटेरियन नहीं हुई है, ये रियलिटी है. सो स्टेट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, ये हमारी अभी रिक्वायरमेंट है. ओके, सो ये बात आपको समझनी है. अब आपको एक दूसरा एंगल समझना पड़ेगा कि इन स्टेट ऑफ केरला रिपीटेड डिमांड्स हैव बीन मेड बाय रिफॉर्मिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप्स फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट मैनेज्ड कमेटी. केरला के अंदर तो वो डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट मैनेज्ड कमेटी हो, यहां पे वो स्टेट से छुटकारा पाने की बात कर रहे हैं. ओके, सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो हम किस चीज को इंपॉर्टेंट मानेंगे वो हमें अभी देखना है. ओके, सो इन कानूनों की अपनी यूटिलिटी है, यू हैव टू इंप्लीमेंट देम. यस, ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड दैट स्टेट इज मैनेजिंग दीज अफेयर्स. तो स्टेट कैसे मैनेज कर रहा है, किस हिसाब से अपॉइंटमेंट हो रही है, वो चीज अभी रिक्वायर्ड है. ट्रांसपेरेंसी तो डेफिनेटली चाहिए, लेकिन अभी भी ये लॉज एग्जिस्ट करेंगे और अपना रोल प्ले करते रहेंगे. नाउ वील गो मूव टू दिस वन. सो डेटा एंड अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर. नाउ इंडिया हैज अ की रोल टू प्ले इन हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड. ओके, नाउ डेटा इज रियली इंपॉर्टेंट. डेटा से क्या होता है, सो डेटा एनालिटिक्स इट इज अ न्यू थिंग. ओके, ये काफी अच्छी चीज चल रही है. डेटा से होगा क्या, आपको ट्रेंड का पता चलता है, आपको सोसाइटी के बारे में पता चलता है. ओके, सोसाइटी के बिहेवियर के बारे में पता चलता है. नाउ व्हेन यू आर कंट्रोलिंग द डेटा एंड यू कैन एनालाइज द डेटा, यू विल नो अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी. यू कैन ऑल्सो यूज दैट डेटा, ओके, टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर. कि अब जो है आप जो है उस सोसाइटी को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो. किस लिए इन्फ्लुएंस करोगे, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. अब ये चीज कंट्रीज भी यूज कर रहे हैं, ये कॉरपोरेट्स भी यूज कर रहे हैं. ओके, अगर यहां पे यूएस के अंदर आपको अपनी सरकार चाहिए, मतलब आपके अपने फेवरेट कैंडिडेट को लाना चाहते हो, तो रशिया ने वहां पर इंटरवीन किया था. ठीक है, सेम वे इंडिया के अंदर भी कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला इशू हुआ था. This is how they are manipulating and they are somehow influencing the choices of people. ये problematic चीज है. और things are interrelated. चीजें जो है यहाँ पे interrelated है. Countries are interrelated. Now अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी. The shift of global power from the Atlantic to Indo-Pacific raises strategic questions for India. The world is divided because of the assertive China. And how is the shift of power to Asia? ये किस टाइप की चीज होगी, हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू यू नो एक्सेप्ट इट. नाउ यूएस डिफेंडिंग द मल्टीलेटरल रूल्स और हेजमनी ओवर द रूल्स इट हैड सेट. शुड इंडिया टेक साइड्स, क्या हमें साइड लेने चाहिए, क्या हमें न्यूट्रल रहना चाहिए चाइना और यूएस के केस में. दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चंस विच आर कमिंग अप. देखिए आपको एक बात समझनी होगी, अगर हम पहले की बात देखें तो ये आपका यूएस हो गया. ओके, और ये हो गया यूरोप. ये यूएस, ये यूरोप, ये है आपका चाइना, ये इंडिया, ये रशिया, ये जापान, ये साउथ कोरिया, ये आपका इंडोनेशिया, एशियन कंट्रीज हो गए सारे के सारे. ओके, अब अगर आप प्रेजेंट पावर को देखो, स्पेशली द इकोनॉमिक पावर, तो सारा वजन यहां पे है. ओके, सारा वेट इधर है. सो इंडो पैसिफिक डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड. और यहां पे हर चीज में ये लागू होगा, इवन विद द डिजिटल रेवोल्यूशन ऑल्सो, डिजिटल यूज के अंदर भी. बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व, अगर हम एशियन कंट्रीज को देखें, इंडिया, चाइना,
दीज सोसाइटीज आर यूजिंग द डिजिटल मोड, ये ज्यादातर डिजिटल मोड यूज कर रही हैं। यूएस के अंदर अभी भी डिजिटल मोड नहीं होता, तो आपके देश में हम जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, इंडिया के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, यूएस के अंदर अभी भी वो चेक इशू कर रहे हैं। ओके वो अभी भी चेक इशू कर रहे हैं, हम तो सीधा अकाउंट में डाल रहे हैं, वो चेक इशू करवा रहे हैं वहां पे, ये चीज चल रही है। मतलब इंडिया और एशिया और बाकी रीजन के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन जो है वो ज्यादा आगे बढ़ गया है। ओके नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिस्ट्रक्चर्ड द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर टू एशियाज डिसएडवांटेज। देखिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो एशिया का डिसएडवांटेज था क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट कर रहे थे, वहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। लेकिन डिजिटल डेटा रेवोल्यूशन की बात करें उस केस के अंदर डेफिनेटली एशिया बहुत आगे है। ओके इंडिया इज अ आईटी जायंट। ओके फर्दर इफ यू सी यहां पे अमाउंट ऑफ डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अमाउंट ऑफ डेटा विल डिटरमाइन कि इनोवेशन कैसे होगा। और अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो दे आर हाईली पॉपुलेटेड, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे, और जो लोग हैं वो डेटा जनरेट कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इन कंट्रीज से आपको ज्यादा अमाउंट में डेटा मिलता है, ज्यादा डेटा मिलेगा आप और ज्यादा इनोवेशन कर पाओगे और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और आगे बढ़ा पाओगे। सो मोबाइल डिजिटल पेमेंट इंटरकनेक्शन इंपैक्ट द सोसाइटी, डेफिनेटली सोसाइटी पे इसका इंपैक्ट होगा। एक चीज आपको समझनी है कि हम डिजिटल तो जा रहे हैं लेकिन साइबर सिक्योरिटी वो अब इंपॉर्टेंट होती जा रही है क्योंकि वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो उसके साथ लिंक्ड हो रही है, वो फिगर इन हो रही है। जो नए मिलिट्री डॉक्ट्रिन आ रहे हैं उसके अंदर भी साइबर सिक्योरिटी की आप बात करते हो। प्रेजेंटली एक डिबेट ये चल रही है, शुड वी हैव अ साइबर कमांड, क्या हमें जो है ऑफेंसिव साइबर कमांड बनानी चाहिए, आर्म्ड फोर्सेज का एक यूनिट बनाना चाहिए। देर इज ब्लरिंग डिस्टिंक्शंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड फॉरेन पॉलिसी एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लोबल रूल्स विद इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, ये एक ट्रेंड चलता हुआ रहना है। ओके ई कॉमर्स वो आगे बढ़ रहा है काफी, एंड ऑल दीज थिंग्स आर एडवांटेजिंग एशिया, एशिया को यहां पे कहीं ना कहीं एडवांटेज है। सो इफ यू सी द प्रेजेंट ट्रेंड, सो डेटा स्ट्रीम्स आर नाउ एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड कंट्रीज, डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दस इंडिया हैव द कैपेसिटी टू नेगोशिएट न्यू रूल्स, क्योंकि हम बहुत बड़े डेटा को रिलीज कर रहे हैं, हमें ऑब्जर्व किया जाता है। ओके नाउ अ रीन्यूड स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड, सो इनोवेशन बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रीम्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू चाइनाज राइज, ओके विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। द यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर रिसेंटली सेड द इरोजन ऑफ कन्वेंशनल डेटरेंस कैपेबिलिटी वॉज द ग्रेटेस्ट डेंजर इन द स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिशन विद चाइना। अब जो है जो डेटरेंस का एंगल है वो यहां पे खत्म हो गया है, चाइना को डर नहीं है। ओके सो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ यूएस puts more emphasis on diplomacy than military power to resolve the conflict with China. Now, China's technology weakness is the dependence on semiconductor and its powerlessness against US sanctions on bank, 5G and cloud computing companies. तो चीजें कितनी इंटरलिंक हो रही हैं, आपके ऊपर सैंक्शन भी लग सकते हैं। बट इट्स 14th ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान एम्फेसाइजेस 1.4 ट्रिलियन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ चाइनाज डिजिटल टेक्नोलॉजी लेड कैपिटलिज्म इज मूविंग फास्ट टू यूटिलाइज द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ डेटा, वो इस चीज पे आगे बढ़ रहे हैं। दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड ई युआन उन्होंने लॉन्च कर दिया है एंड दे आर समहाउ रेडी टू शेक द डॉलर बेस्ड सेटलमेंट, जो डॉलर की डोमिनेंस है उसको वो यहां पे काउंटर करने के लिए आ गए हैं। ये पॉइंट आपको समझना है यहां पे। सो चाइना हैज अ 53 ट्रिलियन मोबाइल पेमेंट मार्केट, इट इज ग्लोबल लीडर इन द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कंट्रोलिंग ओवर 50% ऑफ द ग्लोबल मार्केट वैल्यू। तो जितनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है 50% वो चाइना में हो रही है। हमारी हालत देखिए, India's Unified Payment Interface UPI की बात करें is expected to cross 1 trillion by 2025. हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंदर, ये पॉइंट आपको याद रखना है, चाइना बहुत आगे है। US in contrast lags behind with only around 30% of the consumers using the digital means, वहां पे अभी 30% consumers सिर्फ डिजिटल मीन यूज कर रहे हैं, जबकि US तो बहुत ही एडवांस सोसाइटी मानी जाती है। ओके
ये आपको समझना है। और वॉल्यूम ऑफ मोबाइल पेमेंट है दैट इज लेस देन 100 बिलियन, बहुत ही कम है। नाउ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस विल डिपेंड ऑन न्यू डेटा स्टैंडर्ड्स। अर्लियर दिस ईयर चाइना फॉर्म्ड अ ज्वाइंट वेंचर विद स्विफ्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड सजेस्टेड फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स फॉर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। तो चाइना अब एक चीज एक्सप्लोर कर रहा है कि जैसे नॉर्मली डॉलर और रुपी के अंदर इंटरऑपरेबिलिटी होती है, वैसे ही जो ई करेंसीज वो लेके आ रहा है, जो क्रिप्टो करेंसीज वो लेके आ रहा है, सरकारी क्रिप्टो करेंसी, उसके अंदर भी इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। नाउ यूएस इज फार बिहाइंड इन मोबाइल पेमेंट्स, इज फॉलिंग बैक ऑन डेटा अलायंसेस, यूएस पीछे रह रहा है इसके अंदर। इंडियाज गोल टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, ओके, ये हमारा गोल है। व्हाइल द कंट्री इज फास्ट ट्रैकिंग इट्स डिजिटल रूपी, मतलब डिजिटल कंपोनेंट हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे सोसाइटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो डेफिनेटली इफ यू वांट टू ब्रिंग इनोवेशन और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लाना चाहते हो, सो आपको डिजिटल मोड का यूज करना पड़ेगा, एंड वी आर यूजिंग दैट। सो देर आर सम फ्लूइड डायनामिक्स लाइक मेजर पावर्स सी वैल्यू इन रिलेशनशिप विद न्यू दिल्ली, इंडिया fits into US frames to provide leverage. China wants India also a digital power to see it as a partner, not a rival. China India को as a partner जानना चाहता है, use करना चाहता है. China remains the largest trading partner of both US and India despite the sanction. ये reality है. So definitely India and China they have to work together. और ये जो न्यू दिल्ली इंडो पैसिफिक विजन है इज प्रिमाइज्ड ऑन एशियन सेंट्रलिटी एंड कॉमन प्रोस्पेरिटी, ये आपको समझना है। ईयू इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ईयू ने भी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई है, एंड दे आर नॉट टारगेटिंग चाइना, चाइना को कोई नहीं टारगेट कर रहा है, इंडिया भी चाइना को टारगेट नहीं करना चाहता है। सो डेफिनेटली इंडिया हैव टू प्रिपेयर इटसेल्फ कि हम लोग जो है एक मेजर रोल प्ले करें इस ग्लोबल ऑर्डर में। द वर्ल्ड इज हाइपर कनेक्टेड, आर इकोनॉमीज आर इंटरलिंक्ड, वी डेफिनेटली हैव द पोटेंशियल टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया के अंदर ये पोटेंशियल है और हमें जो है उसको रियलाइज करना है, एंड डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल पॉलिसीज, क्योंकि फ्यूचर हम पे डिपेंड कर रहा है। ओके, Now another important thing that we are going to cover is the push for green hydrogen. Now India must address several challenges to enhance the commercial scale operation. तो हाइड्रोजन हमें लेके आना है, कमर्शियल स्केल पे लेके आना है, मतलब डे टू डे यूज के अंदर यू हैव टू इंक्लूड इट, इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। नाउ इंडिया विल सून ज्वाइन 15 अदर कंट्रीज इन द हाइड्रोजन क्लब एज इट प्रिपेयर्स टू लॉन्च नेशनल हाइड्रोजन एमिशन एनर्जी मिशन। The global target is to produce 1.45 million ton of green hydrogen by 2023. Currently, India consumes around 5.5 million ton of hydrogen, primarily produced from imported fossil fuels. In 2030, according to an analysis by Council on Energy, Environment and Water, green hydrogen demand could be up to 1 million ton. So, 1 million ton ke aaspaas ki aapki green hydrogen ki demand hone wali hai. India across application in sectors such as ammonia, steel, methanol, transport and energy storage. Okay, ye ek cheez iske एप्लीकेशन हो सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के। अब यहां पे आप चीज को देखनी है कि इन पॉइंट्स को देख लेना, प्रीलिम्स के अंदर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नाउ सेवरल चैलेंजेस आर देयर, ओके, कमर्शियल स्केल पे इन ऑपरेशंस को लेके आना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, एंड देयर आर 5 रिकमेंडेशन। तो इसके अंदर 5 रिकमेंडेशन बताए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग डिसेंट्रलाइज द हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ओके, एंड मस्ट बी प्रमोटेड थ्रू ओपन एक्सेस टू रिन्यूएबल पावर टू एन इलेक्ट्रोलाइजर। अब ये देखिए इलेक्ट्रोलाइजर क्या करता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करता है वाटर से, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, उनको सेपरेट करता है, हाइड्रोजन को हम अलग यूज कर सकते हैं, ओके, ये यूज है इलेक्ट्रोलाइजर का। तो बात आपको ये करनी है, अगर आप हाइड्रोजन प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइजर जो यूज कर रही है कंपनी उनको इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो मिलती रहे और रिन्यूएबल पावर मिलती रहे, ओके, अगर उनको भी अनक्लीन पावर दोगे तो क्या फायदा उसका। सो करंटली मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दैट कैन प्रोड्यूस लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सिचुएटेड फार फ्रॉम द पोटेंशियल डिमांड सेंटर्स। तो जहां पे डिमांड सेंटर है उनसे जो है
रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो दूर बैठे हुए हैं. सो इफ हाइड्रोजन वर टू बी शिप्ड इट वुड सिग्निफिकेंटली इरोड द इकोनॉमिक्स ऑफ इट. तो अगर हाइड्रोजन को हमें शिप करना पड़े, मान लो आप झारखंड में प्लांट लगा रहे हो और यूज हाइड्रोजन का कहाँ होगा, मुंबई के अंदर, तो वो शिपमेंट का जो ट्रांजेक्शन है वो एडिशनल कॉस्ट डालेगा उसके अंदर और जो है आपका ऑपरेशन पूरा अनवायबल हो जाएगा. सो इट इज रिक्वायर्ड कि जहां पे डिमांड है उसी के आसपास कहीं पे प्रोडक्शन यूनिट भी लगाया जाए. ओके, सो व्हीलिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सोलर प्लांट इन कच्छ टू द रिफाइनरी इन वडोदरा कुड लोअर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय 60%. तो जहां पे मान लो मुंबई के अंदर के आसपास वाले एरिया के अंदर कहीं पे रिफाइनरी है, वहां से ही आप लिंक करवा दो तो कितना सही रहेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा. द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कुड डबल व्हेन सप्लाइंग ओपन एक्सेस पावर अक्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज. ऑपरेशनलाइजिंग ओपन एक्सेस इन लेटर एंड स्पिरिट, दिस इज रिक्वायर्ड. ये हमें चाहिए. ओके, इसको ऑपरेशनलाइज करना है. वी मस्ट नीड अ मैकेनिज्म टू एंश्योर एक्सेस टू राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर. देखो, डिसेंट्रलाइज्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए राउंड द क्लॉक पावर भी चाहिए होगी आपको. ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम को रिन्यूएबल पावर आ रही है, सुबह नहीं आ रही, या सुबह आ रही है शाम को नहीं आ रही. टू मिनिमाइज द इंटरमिटेंसी एसोसिएटेड विद द रिन्यूएबल एनर्जी फॉर अ गिवन लेवल ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी, अ ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी will typically oversize the electrolyzer and store hydrogen to ensure continuous hydrogen supply. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन फैसिलिटी बनाइए जहां पे प्रोडक्शन भी हो साथ साथ स्टोरेज का भी अरेंजमेंट हो. ये चीज करनी जरूरी है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की लिमिटेशन है, कहीं पे सूरज होगा तो सोलर एनर्जी होगी. देयरफॉर वी हैव टू स्केल अप द टारगेट ऑफ हैविंग 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, अलाइनिंग हाइड्रोजन प्रोडक्शन नीड्स विद द ब्रॉडर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स. कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन करो और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, ये आपका फोकस होना चाहिए. वी मस्ट टेक स्टेप्स टू ब्लेंड हाइड्रोजन टू एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस जो अभी तक चल रही हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, उसके अंदर हाइड्रोजन के यूज को ब्लेंड करो. इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सप्लाई बाय ऑगमेंटिंग द ग्रीन हाइड्रोजन विद कन्वेंशनली प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन. जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको कन्वेंशनली प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन के साथ लिंक करो. देखो, आपको एक बात समझनी है, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होगी. ओके, ग्रीन हाइड्रोजन होगी, इसका मतलब आपको समझना है. देखो, जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, अब वो इलेक्ट्रिसिटी वो भी क्लीन और रिन्यूएबल होनी चाहिए. ओके, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी क्लीन और रिन्यूएबल होगी तो उस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे. नॉर्मली अगर हम फॉसिल फ्यूल से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन बना रहे हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइजर लग रहा है, काम वही हो रहा है. पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, काम वही हो रहा है. लेकिन जो बिजली है वो हम बना रहे हैं फॉसिल फ्यूल से, कोल से बनाई हुई है, उस केस में उस हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे. ग्रीन हाइड्रोजन कौन सी होगी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो वो भी रिन्यूएबल सोर्स से आ जाए. ये फर्क जानना जरूरी है, जो आपका कन्वेंशनल हाइड्रोजन बनाने का तरीका है और ये वाला तरीका है. तो हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से ही हाइड्रोजन बनानी है. Another important point they are discussing is policy makers must facilitate investment in early stage piloting and the research and development needed to advance the technology. अब R&D में पैसा डालना तो बहुत जरूरी है. आपको खुद अपनी कैपेसिटी बनानी पड़ेगी, खुद की टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी. There is growing interest in hydrogen. Okay, ये बढ़ रहा है. अब इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट भी कम हो रही है, दिस इज रियली गुड. इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट कम हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है हाइड्रोजन फ्यूल में. सो पब्लिक फंडिंग विल हैव टू लीड द वे. प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा शायद ना हो, प्राइवेट सेक्टर इसमें रिस्क भी नहीं लेगा, नई टेक्नोलॉजी है ना, तो प्राइवेट सेक्टर माइट नॉट टेक द रिस्क. तो डेफिनेटली सरकार को थोड़ा पैसा तो इसके अंदर डालना ही पड़ेगा. इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ नेशनल सोलर मिशन एंड फोकस ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. Establishing an end-to-end electrolyzer manufacturing facility would require measures extending beyond the existing performance-linked incentive program. अभी देखिए performance-linked incentive program तो चल रहा है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हो तो इसके beyond जाना पड़ेगा आपको, और अच्छे से काम करना पड़ेगा. So India need to secure supplies of raw material that are needed for this technology. जो रॉ मटेरियल है वो लेके आने पड़ेंगे. मेजर इंस्टीट्यूशंस लाइक DRDO, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, CSIR, दे आर डेवलपिंग द इलेक्ट्रोलाइजर, वो इलेक्ट्रोलाइजर बना रहे हैं. एंड डेफिनेटली जल्दी से जल्दी उस टेक्नोलॉजी को आपको कमर्शियल यूज में लाना है.
दिस इज वॉट यू हैव टू डू. ओके, फर्दर यू कैन इंटीग्रेट इट विद द ग्लोबल वैल्यू चैन. ग्लोबल वैल्यू चैन के साथ भी उसे इंटरलिंक कीजिए. सो दिस वॉज अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन कंसेप्ट. ओके, ये आपका एक तरीके का सिस्टम था. नाउ बंटी शर्मा इज आस्किंग कैम्ब्रिज इशू रिगार्डिंग द इलेक्शन इन इंडिया, प्लीज डिस्क्राइब. तो कैम्ब्रिज के केस में क्या हुआ था कि जो इंडियन यूजर्स का डाटा है, ओके, इंडियन यूजर्स का जो डाटा है उनकी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस क्या हैं, ओके, पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो डाटा शेयर किया गया था किसी प्राइवेट एजेंसी के साथ. ठीक है, अब सपोज करो आप फेसबुक पे हो और आप जो है हर रोज कमेंट करते हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, ये पॉलिटिकल पार्टी बुरी है. ठीक है ना, ये आप करते हो. अब इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किस तरफ है. अब ये डाटा मान लो एजेंसी के साथ शेयर किया जाए जो पॉलिटिकल पार्टीज को हेल्प करती है इलेक्शन जीतने में, तो वो आपकी प्रेफरेंसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे. अब ये मैनिपुलेशन कैसे होता है, देखो एक क्विज लिख देंगे, क्विज बना देंगे, ओके, उसके अंदर बोलेंगे सपोज ए लीडर इज वर्स्ट, ठीक है, बी लीडर इज बैड, आपको सही आंसर देना है और आपको प्राइज मिलेगा. ठीक है ना, सही आंसर देना है आपको प्राइज मिलेगा. लेकिन जो सी कैंडिडेट है वो तो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है. अब एक वर्स्ट है दूसरा बैड है, आपके दिमाग में ये चला जाएगा वर्स्ट और बैड दोनों ही कैंडिडेट्स के बारे में आपके दिमाग में नेगेटिव इमेज चली जाएगी. आपको लगोगे हाँ ये तो यार नेगेटिव ही है, सी वाला जीत जाएगा. दिस इज हाउ दे ट्राई टू मैनिपुलेट. आपकी चॉइसेस को इस तरीके से वो बदलते हैं. ओके, सी के बारे में तो बात ही नहीं होगी, दो पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में क्विज करवा देंगे, आपको लगेगा हाँ, वर्ड्स आपके दिमाग में डाल देंगे वर्स्ट और बैड, आप उसी लाइन पे सोचने लग जाओगे और वो अपना काम कर जाएगी. इलेक्शन के अंदर आपको लगेगा अरे ये आपको पता भी नहीं लगता कि आप बिहेवियर आपका चेंज हो रहा है या कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है. इस टाइप की चीज होती है, ऐसा ही कुछ किया गया था. इतनी खतरनाक चीज होती है कि आपके डाटा जो है किसी और के साथ शेयर किया जाए तो. ओके, सो राजदीप भांगू सर, कैन यू प्लीज टेल द वे टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी करंट अफेयर्स, कैन वी हैव टू मेक अ नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स और नॉट. करंट अफेयर्स की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज हो गई है, उसके अंदर आपको ये देखना है कि पिछले डेढ़ दो साल की चीजें यूपीएससी पूछ रहा है. ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है. तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एक साल का सफिशियंट नहीं होगा, पीछे का कुछ भी उठा के पूछ रहे हैं. तो रूल्स आए थे ई वेस्ट से रिलेटेड, ओके, 2016 में मान लो रूल्स आए, क्वेश्चन पूछा गया 2019 में. अब ये बात आपको समझनी है कि कभी कुछ भी पूछ रहे हैं वो. ठीक है ना, तो करंट अफेयर्स क्या है कि जो अखबार में आ रहा है रोज उसको बहुत अच्छे से पढ़ो. प्रिसीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है. ओके, क्यों प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इज आस्किंग अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, तीन तीन चार चार स्टेटमेंट आ रही हैं, आउट ऑफ देम विच इज करेक्ट एंड विच इज नॉट करेक्ट यू हैव टू मेक अ सिलेक्शन. इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है. तो जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छा पढ़ो, बहुत प्रिसाइजली पढ़ो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, क्वेश्चन को एनालाइज करो अपने लेवल पे. 2016 का पेपर दोबारा रिपीट नहीं होगा, बहुत सिंपल पेपर था. ठीक है ना, 2019 का पेपर उठाओ, 2020 का पेपर उठाओ, हाईली कॉम्प्लेक्स, दे आर टेस्टिंग योर नॉलेज प्लस योर स्किल्स. प्रीलिम के अंदर भी मेंटल एबिलिटी जैसी चीजें पूछ रहे हैं कि क्या आप लॉजिकली सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते, आप कितना लॉजिकल सोच सकते हो. तो वो एनालिसिस तब होगा जब आप खुद रीड करोगे, खुद एनालाइज करोगे कि ये हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. सीधा सीधा रट्टाफिकेशन का काम खत्म हो गया अब. ठीक है, जैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि सोशल कैपिटल क्या होता है. अब सोशल कैपिटल क्या होता है ये सवाल था, चार ऑप्शन थे, उसके अंदर एक ऑप्शन में ये लिखा था हार्मनी अमंग द सोसाइटी मेंबर्स, हार्मनी अमंग द सोसाइटी मेंबर्स. अब लोगों को लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतना सिंपल सा आंसर टिक कैसे होगा, लेकिन आंसर यही था. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. अब कंसेप्ट समझने का टाइम आ गया है, वो दिन गए अब. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू यू नो एनहांस योर प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है. ओके, सो इंटरनेशनल रिलेशंस, लाइक यू वॉन्ट मी टू टीच इंटरनेशनल रिलेशंस ऑन यूट्यूब,
सी एवरी डे आई एम डिस्कसिंग दिस एडिटोरियल, मैं रोज एडिटोरियल डिस्कस कर रहा हूँ ना न्यूज। अगर आप द हिंदू को देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एडिटोरियल तो रोज ही आते हैं। ओके, सो दोज थिंग्स आर कवर्ड, आईआर इज ऑलरेडी कवर्ड देयर। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आईआर की कवर होती हैं। जो एडिटोरियल द हिंदू के अंदर छपेगा वो किसी ना किसी कंट्री के साथ रिलेशन होगा, उसी के साथ चल रहा होगा, उसी से रिलेटेड होगा। कोई डिप्लोमेट अगर एडिटोरियल लिखेगा वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस का इशू उठा के लिखेगा। सो आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग दैट। ओके, सो लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू वेरी मच।